72 घंटे बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है और उससे पहले वैक्सीन की लाखों डोज अलग अलग शहरों में सप्लाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच चुकी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह हैदराबाद से दिल्ली पहुंची है। इससे पहले कल कोविशील्ड की पहली खेप दिल्ली पहुंची थी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, अब ये दोनों ही डोजे दिल्ली के नॉर्थ इंडिया में अलग अलग शहरों तक सप्लाई की जाएंगी। 16 जनवरी से भी कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। तो पहले अगर बात करते हैं कोविशील्ड पहुंची कल भारत और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन आज दिल्ली पहुंच चुकी है। तो ये दोनों जो वैक्सीन है ये इस्तेमाल की जाएंगी जब 16 तारीख से वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों वैक्सीन तैयार हैं और दोनों वैक्सीन अब लोगों को दिया जाएगा। दिल्ली में कोविशील्ड कल पहुंची थी जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, पुणे से पहुंची थी, और आज हैदराबाद जहां पर भारत बायोटेक का यहां पर ऑफिस है वहां से आप देख सकते हैं कि कोवैक्सीन की जो खेप है वो भी अब देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाई जा रही है। और दिल्ली में तो कोवैक्सीन की जो पहली खेप है वो पहुंच चुकी है। और कोवैक्सीन की अगर बात करते हैं तो पूरी तरह से एक देसी वैक्सीन है जिसे भारत में ही रिसर्च करके तैयार किया गया, जो एक गर्व की बात है हम सभी के लिए। तो भारत में किस तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है उसको लेकर पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 30 राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पहले ही बातचीत की है और उनसे हालात के ऊपर गंभीर चर्चा हुई है और किस तरह से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ज़मीन पर उतारा जाएगा उसको लेकर भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, करीब तीन बार ड्राई रन हो चुके हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 3 बार ड्राई रन हो चुके हैं। इसी तरह से हर राज्य में कई बार ड्राई रन किया गया ताकि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी 16 तारीख को, ताकि कोई भी हिकअप्स ना आए, यानी कि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और खास बात यह रहेगी जो पूरे का पूरा जो वैक्सीनेशन अभियान चलेगा इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के हेल्थ और कोरोना की वैक्सीन का पूरा देश में फुल रोल आउट होने वाला है और पहले फेज में पुणे और हैदराबाद से 1,65,00,000 डोज पूरे देश के अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचेगी। और कैसे वैक्सीन आपके शहर तक पहुंचेगी इसकी फुल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अभी हमारे साथ एमपी और यूपी के हेल्थ मिनिस्टर जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ विश्वास सारंग जुड़ चुके हैं जो मध्य प्रदेश के हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर हैं। विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के वहाँ पर भी शायद पहुँच चुका है पहली खेप जो है वैक्सीनेशन की? नहीं, अभी नहीं पहुंचा है, आज दिन में आने की संभावना है। अमित जी, पर हम पूरी तरह तैयार हैं, जैसे ही ये वैक्सीन हमारे यहाँ आएगी उसको स्टोर करने की जो व्यवस्था है वो हमारी पूरी तरह तैयार है। और उसके साथ ही 16 तारीख को जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना है उसकी भी तैयारी हमारे यहाँ पूरी तरह से है। जी, तो हमारे साथ अतुल गर्ग भी जुड़ गए हैं जो उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। अतुल जी, आपका भी स्वागत है। आपके वहाँ तो कोविशील्ड पहुँच चुकी है, तो किस तरह की तैयारी हो गई आप लोगों की उसको आगे 16 तारीख को जब रोल आउट करेंगे? ऐसा है कि पूरे जोश और खरोश और उत्साह के साथ जो भी हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसने पूरी तैयारी करी है। और कल मैं दूर दराज हापुड़ के आगे जाकर के गढ़मुक्तेश्वर पे एक छोटी सी CSC पे गया था देखने के लिए, तो वहां पर भी उन्होंने करीब 12:30 बजे तक अपना पूरा जो ड्राई रन था उसका अभियान पूरा कर लिया था। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां पर तैयारी में कोई कमी नजर आ रही हो। जी अतुल जी, उत्तर प्रदेश अगर हम बात करते हैं जिलों के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी बहुत बड़ा राज्य है, तो ऐसे में आप लोगों ने क्या कुछ खास इंतजाम किए जिससे कि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो आपको कम से कम दिक्कतें आए? कम से कम दिक्कत का सवाल नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। 2017 के बाद इतने बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्थाओं के लिए जाना जाता था, तो योगी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से कोविड का सामना किया गया है ये इसकी तारीफ माननीय मोदी जी ने भी की है और WHO ने भी की है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे सोता हुआ उत्तर प्रदेश फिर से जाग उठा है और हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी, सभी अधिकारी, सभी लोग पूरे तरह से उत्साह के साथ इस काम को करने के लिए जुटे हुए। जी अच्छा, विश्वास जी, आप बता रहे हैं कि आज आपके वहां पर वैक्सीन पहुंच जाएगा, तो उसके बाद फिर कहां पर उसे स्टोर किया जा रहा है, उसके बाद फिर आप लोग कहां कहां किस तरह से उसको आगे भेजेंगे, कोल्ड चेन किस तरह से आपने तैयार किया है? देखिए,
हमें जो भी केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश मिले थे, हमने पूरी तरह से कोल्ड चेन डेवलप किया है। और कोल्ड चेन के तीन आयाम हैं। सबसे पहले तो वैक्सीन आएगा तो उसको स्टोर करना, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अलग अलग स्थानों तक पहुंचाना, और जो हमारा एंड पॉइंट है जहां बेनिफिशियरी को ये वैक्सीन लगना है वहां भी छोटे डब्बे जहां जो कि उस वैक्सीन का जो नियत तापमान है उसको मेंटेन कर सकें, उसकी व्यवस्था करना, ये हमारी पूरी व्यवस्था हो गई है। 2 जनवरी को हमारा भोपाल में ड्राई रन था, वो सक्सेसफुल हुआ। 8 जनवरी को हमारे बाकी 51 जिलों में हमने ड्राई रन किया, वो एकदम सक्सेसफुल हुआ। कल मैं स्वयं विभिन्न हमारे जो वैक्सीनेशन के सेंटर हैं वहाँ पर गया था। सभी जगह हमारी चौक चौबंद व्यवस्था है। हर वैक्सीन स्थल पर हमारे 5 वैक्सीनेटर ऑफिसर रहेंगे। पहला आइडेंटिफिकेशन करेगा, दूसरा एनरोल करेगा, तीसरे स्थान पर वो लगेगा। आधा घंटे के उनकी मॉनिटरिंग के बाद वो बेनिफिशियरी को घर जाने दिया जाएगा। यदि भगवान ना करे कहीं कोई इमरजेंसी आती है तो फर्स्ट एड की व्यवस्था भी की गई है। हर तरह की व्यवस्था हमारी चौक चौबंद है। कोविन जो हमारा पोर्टल है उस पर हमारी अपलोडिंग एकदम समय से हो, ठीक हो, इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। कोल्ड चेन के साथ साथ हर जो जो हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है उसका प्रोटोकॉल का ध्यान हमने मध्य प्रदेश में रखा है। और मैं यहाँ पर इंगित एक बात और करना चाहूँगा, पहले भी मैंने कहा था कि IT सॉल्यूशन का जो उपयोग इस पूरे अभियान में किया गया है वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। बिल्कुल विश्वास जी, आपसे भी समझेंगे जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उनको विस्तार से भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से काम करता है। लेकिन अतुल जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ा राज्य है, 4 रीजन पड़ जाते हैं। बुंदेलखंड हो गया, वेस्टर्न यूपी, अवध, उसके बाद आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश आ गया। तो ये इस तरह से 4 जो रीजन है, कि आप लोगों ने किस तरह से इसको बांट के आप कर रहे हैं, क्या आपने इसमें रोड मैप तैयार किया है? रोड मैप ये है कि जो वैक्सीन है सबसे पहले जितनी भी कमिश्नरीज हैं उनको जाएंगी जी। और तो पर केंद्र सरकार ने जो 9 कमिश्नरियों पर ये भेज रहे हैं, हमारी 18 कमिश्नरियां हैं और उसके अंदर 1477 हमारे यहाँ सेंटर बने हैं जहां पर रेफ्रिजरेशन की पूरी व्यवस्था हुई हुई है। लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार जो पहले चरण में जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो 857 सेंटर्स पे लगाई जाएगी। और 857 सेंटर्स पर जो 8.5 लाख के करीब जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं सबसे पहले चरण में उनको लगाई जाएगी। और फिर उसके बाद में जो दूसरा चरण आएगा उसमें करीब 18 लाख लोग फ्रंटलाइनर्स को लगाई जाएगी। और तीसरे चरण के अंदर 50 साल से उम्र के ऊपर वाले जो उम्र के लोग हैं उनको लगाई जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक संशोधन ये है कि जिनको ज्यादा जरूरत है तो उनको सबसे पहले लगाई जाएगी। अच्छा अतुल जी, आप लोगों ने कोई कैटेगरी बनाई है कि किस इलाके में ज्यादा वैक्सीनेशन होगा या कि समान रूप से हर कमिश्नरी में आप लोग भेज रहे हैं वैक्सीनेशन? नहीं, समान रूप से नहीं है। इसके अंदर वैक्सीनेशन का एक आइडिया लगाया है और उसका जो आधार है वो उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर और उस क्षेत्र की के अंदर कितनी सेंसिटिव है उसके आधार पर ये लगाया गया है। और अलग अलग कमिश्नरी में अलग अलग उसे भेजा जा रहा है जी। विश्वास जी, आपने जिक्र किया था कि जिस तरह से छोटे छोटे जो इलाके होंगे वहां पर शायद छोटे कुछ बॉक्सेस हैं जो कि ठंडा रखेंगे जो वैक्सीन होगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ काफ़ी हम कह सकते हैं रूरल भी है, काफ़ी रिमोट एरियाज भी हैं, वहाँ आदिवासी क्षेत्र भी हैं, वहाँ पर पहुँचाने के लिए कोई खास इंतजाम है? क्यों वहाँ पर तो शायद रेफ्रिजरेटर की कोई व्यवस्था नहीं होगी? नहीं, सभी जगह कोल्ड चेन डेवलप करने का मतलब ही ये होता है कि हमने सभी जगह जहां रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है उसकी पूरी व्यवस्था की है। डीप फ्रीज़र की जो व्यवस्था करनी थी वो की है और जो बॉक्सेस हैं जिसमें कि वो वैक्सीन नियत तापमान पर रहेगा उसकी भी पूरी व्यवस्था की है। हमारे यहाँ लगभग हम जब पूरा जो तैयारी है लगभग 1100 हमारे सेंटर हैं, पर पहले फेज़ में हमारे यहाँ लगभग 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन होना है, तो उसके लिए 302 स्थानों को हमने पहली चरण में निर्धारित किया है। और सभी जगह ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और स्टोरेज तक हमारी कोल्ड चेन मेंटेन रहे इसकी पूरी व्यवस्था है, कहीं भी कोई गफलत की स्थिति नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने भी क्या उत्तर प्रदेश की तरह कोई कैटेगरी बनाई है कि किस इलाके में ज्यादा वैक्सीनेशन भेजना है या कहीं पर उससे कोई अनुपात या बैलेंस बनाया है?
देखिए, हर सेंटर को में लगभग 100 लोगों को वैक्सीनेशन होगा. अच्छा. एक दिन में. तो इसलिए सभी जगह समानता के साथ है, क्योंकि हेल्थ वर्कर की जो पूरी लिस्ट है वो 4.5 लाख लोगों की है. जिस सेंटर में वहाँ का जो भी कैचमेंट एरिया, उस हिसाब से लिस्ट बनी है. जी अतुल जी, जो बुंदेलखंड का इलाका पड़ता है, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, तो ऐसे इलाकों में जो वैक्सीनेशन पहुंचाना है दूर दराज के इलाकों तक, तो आप लोगों ने किस तरह का कोल्ड चेन या डेवलप किया है जो रिमोट इलाके हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, ये जो सिस्टम बनाया गया है वो केवल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बना करके उसको जो वर्क किया है, उसकी जो देखभाल कर रहे हैं जी, वो केंद्र सरकार के अधिकारी इसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं. अच्छा. और वो जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है उसके अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो वैक्सीनेशन जो इंटीरियर में जाएगी तो उसमें कितना समय लगने वाला है, कितना उसके अंदर टेम्परेचर चाहिए, तो उसको पूरा ध्यान में रख करके तैयारी की गई है. जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने कहा है, तो वो सारी चीजें केंद्र सरकार ने वेट की है, उसको चेक किया है जो हमारा प्रोग्राम है. और हर दिन सुबह से शाम तक कई कई बार हमारे अधिकारियों की, केंद्र सरकार के अधिकारियों की सारी बातें हुई हैं. और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप 16 तारीख को देखेंगे कि शाम तक जो रिजल्ट आने वाला है, जिस तरीके से इसके परिणाम आएंगे, तो आप लोगों को बड़ा खुशी होगी कि हिंदुस्तान दुनिया के उन गिने चुने देशों में मौजूद रहने वाला है कि जिसके अंदर इतने अच्छा काम होगा. जी अच्छा, आप लोगों ने जो ड्राई रन किए थे अतुल जी, तो उसमें कितने आप लोगों ने जगहों पर, कितने सेंटर्स पे आपने किए? आखिरी फेज में शायद 1500 के करीब सेंटर्स पे आपने किए थे ड्राई रन. करीब 1600 कुछ क्षेत्रों में ये किए गए हैं, 1600 कुछ, 1400 कुछ पे जी, 1477 पे किया गया है. और ये 1.5 घंटे के अंदर इसे पूरा कर लिया गया. अच्छा, 1.5 घंटे के पूरे टाइमिंग के अंदर. जो विश्वास जी, आप जो जिक्र कर रहे थे कोविन, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा दर्शकों को समझाएं कि जैसे कि आपके पास, आप बता रहे हैं कि आज कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो पहुंचने वाली है, उसके बाद किस तरह से कोविन के जरिए आप इसको आगे मॉनिटर करेंगे और 16 तारीख को क्या होगा, कोविन से किस तरह से जोड़ेंगे इसे? देखिए, जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू होगा जी, तो जो हमारा सेकंड वैक्सीनेटर ऑफिसर है, जो पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर तो आइडेंटिफाई करेगा कि नियत श्रेणी का ही बेनिफिशियरी उस सेंटर में प्रवेश करे, उसके जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसको चेक किया जाएगा. और दूसरा वैक्सीनेटर जो रहेगा वो कोविन जो हमारा पोर्टल है उस पर उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करेगा. जो मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का बहुत सदुपयोग किया गया है इस पूरे मामले में, कोविन पोर्टल पर जो अपलोडिंग होगी वो डिसेंट्रलाइज होगी, दो दो तीन तीन जगह से होगी. अच्छा. परंतु मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज होगी. उसमें इस बात तक का ध्यान रखा गया है कि किसी पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर का यदि तापमान में कहीं कोई कमी या अधिकता आती है तो वो भी सेंट्रलाइज रूप से मॉनिटर होगी. तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो डेटा का पूरी तरह से अपलोडिंग हो जाएगी, जिससे ये एकदम नियत रहेगा कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, उनको टाइमली SMS होगा जिससे उनको पहले डोज की भी जानकारी मिलेगी, और 28 दिन बाद जब उनको दूसरा डोज मिलना है तो वो भी उनको टाइमली SMS के माध्यम से जानकारी मिलेगी. उस हर वैक्सीनेशन के सेंटर में वैक्सीन रखने की जो व्यवस्था है उसका तापमान कितना है इसकी भी पूरी मॉनिटरिंग रहेगी. तो कहने का तात्पर्य है कि इस पूरे के पूरे अभियान में IT के सॉल्यूशन का बहुत सदुपयोग किया गया है. और जैसा हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने कहा कि पूरी दुनिया देखेगी मोदी जी के नेतृत्व में, मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा. मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन बनाना है उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण वैक्सीन लगाना है, क्योंकि 137 करोड़ के देश में, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक हमारी भौगोलिक स्थिति में बहुत परिवर्तन है, हमारी सामाजिक स्थिति में बहुत परिवर्तन है, उसमें इस तरह से चुनौतीपूर्ण अभियान को चलाना, और मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि ये पहला ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा जो केवल एडल्ट में हो रहा है. अभी तक बच्चों का अभियान चलता था, पोलियो अभियान, एडल्ट के अभियान में शायद दुनिया के लिए एक बड़ी केस स्टडी, ये बड़ी केस स्टडी होगी कि देश में हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी सुगमता के साथ आगे बढ़कर वैक्सीन का निर्माण किया और केंद्र सरकार की पहल पर
पूरे राज्यों में इस ढंग से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। मोदी जी को, देश के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बधाई देता हूं। जी अतुल जी, जिस तरह से अभी विश्वास जी ने बताया कि एक सेंट्रलाइज होगा पूरा सिस्टम जहां पर कंट्रोल किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में जो पूरा वैक्सीनेशन का जो ये अभियान चलेगा, तो लखनऊ में क्या इसके लिए एक सेंटर बनाया गया जो पूरे उत्तर प्रदेश में मॉनिटर करेगा, या फिर दिल्ली से भी कोई कनेक्शन रहेगा यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम में? देखिए, दिल्ली अपना काम कर रही है, वो भी मैंने कहा ना पैरेलल व्यवस्था है। लखनऊ से भी ये केंद्रीय, ये लखनऊ केंद्र से भी ये पूरा हैंडल किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको पैरेलली देखेगी। और इसके अंदर जो बेस हैं वो हमारे 18 जितने भी हैं यूपी की, वो बेस रहेंगी और वो अपने अपने जिलों को देखेंगे। अच्छा अतुल जी, अब तक उत्तर प्रदेश में कितना वैक्सीनेशन आ चुका है और कितना आना है पहले फेज में? ऐसा है कि जो आया है अभी तक, वो कल तक जो आया हुआ था वो 1,40,000 डोज आई है लखनऊ के अंदर जी, और 20,000 डोज जो है वो जो भारत, हमारी भारत बायोटेक, भारत बायोटेक आनी है वहीं पर ही जी। और हमारे को जो अलॉटमेंट हुई है वो 10,55,000 की हमारे को अलॉटमेंट हुई है, और इसके अंदर 20,000 ये अलग से अलॉट हुई है। कुल मिलाकर के जो अलॉटमेंट है वो 10,75,000 का अलॉटमेंट अभी तक हुआ है जी, और हमारे पास जो हेल्थ वर्कर है वो 8.5 लाख। अतुल जी, अच्छा ये बताइए कि जो कोविन है उसमें किस तरह से आप लोग हेल्थ वर्कर्स को SMS या बाकी जो उनको इन्फॉर्मेशन दे जाएगी, किस तरह से इसको किया जाएगा कि किसको वैक्सीन लगना है 16 तारीख को? ये उसकी चार्ट बन गया पूरा का पूरा, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अच्छा, अभी तक 8,00,000+ हुए हैं, ये 8,50,000 तक पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से। ये रजिस्ट्रेशन अंतिम चरण में ही है, कोई 1,000-2,000 का कोई फर्क रह गया होगा तो रह गया होगा। और उसके अलावा जो फ्रंट लाइनर है उसके रजिस्ट्रेशन आज भी चालू है। अच्छा। उसके अंदर उम्मीद है और काफी बड़ी मात्रा में 10,00,000 से ऊपर हो चुके हैं, उसके बाद में ये मेरे को उम्मीद है कि 18,00,000 तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। विश्वास जी, जिस तरह से बता रहे हैं करीब 8,00,000 लोग रजिस्ट्री कर चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ इतने ही लाखों लोगों ने करवाया होगा। सर, जब ये लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से लोगों के पास ये SMS जाएंगे, क्या रैंडम लोगों को सैंपल किया जाएगा कि या सीरियल वाइज लोगों के पास पहुंचेगा कि आपको पहुंचना है, किस तरह से आप लोगों को बुलाएंगे? इसको केंद्र सरकार के जो निर्देश है, देखिए ये जी विश्वास जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, ठीक हाँ, मैं आता हूँ आपके पास। नहीं आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अतुल जी, आप बोल लीजिए, उसके बाद ये इसमें जैसा मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद आप बोलिए प्लीज। मध्य प्रदेश के मंत्री, नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, कहीं आप में गाड़ी निकल जाएगी। अतुल जी आप बोल लीजिए, फिर मैं विश्वास जी के पास जाता हूँ। इसके अंदर बहुत सिंपल सिस्टम बनाया है। फर्स्ट फेज जो है हमारे डॉक्टर्स या हमारे मेडिकल सोर्सेज हैं, सेकंड फेज के अंदर फ्रंट लाइनर था। फ्रंट लाइनर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं जो लगातार एक्टिव रहते हैं जी, और जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, और जितनी भी हमारी ऐसी फोर्सेज हैं ये वो लगेंगे। फर्स्ट फेज के अंदर जो हमारे मेडिकल से संबंधित है उनमें आंगनबाड़ी और आशा बहुएं भी शामिल हैं। अच्छा। लेकिन सेकंड फेज के अंदर जैसे सिविल डिफेंस के लोग हमारे को सहयोग कर रहे हैं, पुलिस के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, जो हमारे सरकारी अधिकारी राजस्व विभाग के लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं, तो उन सबकी लिस्ट बन चुकी है जी। तो सेकंड फेज के अंदर ये 18,00,000 लोगों की लिस्ट लगभग बन चुकी है और उसके सबके रजिस्ट्रेशन भी करीब करीब हो गए हैं। और तो ये बड़ा थर्ड फेज के जो रजिस्ट्रेशन है अभी वो शुरू नहीं हुए हैं, बहुत जल्दी जैसे ही इंस्ट्रक्शंस आएंगे 50 साल से ऊपर वाले लोगों के या जिनको गंभीर बीमारियां हैं, ठीक है, उनके रजिस्ट्रेशन तुरंत शुरू हो जाएंगे जी। विश्वास जी अब अपनी बात रखें आप। देखिए हमारे यहाँ लगभग 4.5 लाख लोगों को
पहले चरण में वैक्सीन लगना है। जैसा उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने बताया कि पहली जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है वो है हेल्थ वर्कर्स की, दूसरी जो दूसरे चरण में जो वैक्सीनेशन होगा वो हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स होंगे, जिसमें सफाई कर्मी होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे और बाकी जो लोग कोरोना की लड़ाई में आगे रहकर जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, और तीसरा फेज होगा 50 साल से ज़्यादा और कोमॉर्बिडिटी जिनको है। तो ये हमारे यहाँ सभी लिस्टें तैयार हैं। पहला हमने 4.5 लाख लोगों की लिस्ट जमा कर दी है, जिसमें शासकीय हमारे हेल्थ वर्कर भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर भी हैं, और जैसे आपने बोला था उन सभी को SMS नियत उसकी लिस्ट की बनी हुई है, उस हिसाब से उनको SMS जा रहे हैं और SMS में उनको इस बात की जानकारी दी जा रही है कि उनको किस दिन वैक्सीन लगेगा और किस सेंटर पर लगेगा। और जैसे ही वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे, उनकी जब अपलोडिंग हो जाएगी तो उसके बाद उनको 28 दिन बाद उनको किस दिन 28 दिन के बाद उनको वैक्सीन लगेगा इसकी जानकारी मिलेगी। वाकई में बहुत ही मतलब तो ये अच्छा एक सिस्टम जो समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिकली ढंग से होगा। और जिस तरह से आप दोनों ने बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, अमित जी मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि जैसा आपने पूछा था कि हमारे यहाँ वैक्सीन कब आ रही है, हमें अभी जानकारी मिली है आज हमारे यहाँ भोपाल में 11:15 पर यहाँ पर हमारा पहला कंसाइनमेंट आएगा, जिसमें लगभग हमें 8 हमारे केसेस रहेंगे। उसमें हमारा दूसरा कंसाइनमेंट आएगा इंदौर में, लैंड होगा लगभग 4:25 पर, और हमारा तीसरा कंसाइनमेंट जबलपुर में लैंड होगा, वो लगभग 6:10 पर होगा। टोटल हमारे को जो वैक्सीन के डोज मिलना है पहले चरण में, अभी वो लगभग 5,06,500 हैं जी। तो ये हमारी अभी तक की हमें जानकारी है। ग्वालियर के हमारा 14 कल ग्वालियर में भी एक कंसाइनमेंट आएगा जी। तो विश्वास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी भी दे दी और आपने ये भी बता दिया कि पहली जो खेप है कब वहां पर आने वाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, और उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग जो वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी 16 तारीख को तो बेहतरीन ढंग से उसको जमीन पर उतारा जाए। अतुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विश्वास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और वैक्सीन की किस राज्य में कितनी डोज पहुंची है ये भी आपको बताएंगे।